नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। दानापुर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान भाजपा सांसद रामकृपाल यादव से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर पूछे गए सवाल पर क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुने। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा सब लोगों को पता है कि पिछली सरकार ने तय कर रखा था कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर ये बात सही है कि बिहार को आवश्यकता है सहयोग का, और सहयोग प्रधानमंत्री जी ने किया है और आगे भी सहयोग जारी रहेगा ताकि बिहार भी विकसित राज्यों में खड़ा हो जाए। नीति आयोग के भी रिपोर्ट के अनुसार भी आप देखिएगा तो बिहार कई मामले में पीछे है। इससे बिहार भी देश का एक बहुत बड़ा भूभाग है, जो देश का दूसरा प्रदेश है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच रही है बिहारियों के लिए और बिहारवासियों के लिए, ये सोच आगे भी जारी रहेगा। बहुत सारी धनराशि बिहार को मिला है, पहले भी विशेष पैकेज के रूप में, आगे भी मिलेगा ऐसा मुझे भरोसा है, और बिहार भी आगे गति दे सकेगा अपने पिछड़ापन को दूर करके, तो ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा होगा क्या कहेंगे मुख्यमंत्री की मांग को, क्या कहेंगे उन्होंने जो मांग किया है वो, क्या कहेंगे कि जो है पूरा होगा, साथ देंगे आप लोग। मांग तो केंद्र में भी और यहाँ भी दोनों साथ में है, तो क्या केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बोलेगा? अरे मैंने कह दिया, विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान ही खत्म हो गया। बिहार राज्य को विशेष पैकेज मिला है और आगे भी मिलेगा, लेकिन मांग तो विशेष दर्जे की जा रही है। कौन विशेष दर्जे की इसलिए की जा रही है ना कि बिहार तरक्की करे, बिहार आगे जाए, बिहार की गरीबी और फटेली दूर हो, बिहार का हर तबका आगे जाए। तो पैसे की आवश्यकता होती है, विशेष राज्य के दर्जा में भी पैसा मिलेगा, आप विशेष पैकेज में भी पैसा मिलेगा।